नमस्कार, आज मैं बताने जा रही हूँ मैंगो रबड़ी बिल्कुल नए अंदाज में। आइए बताते हैं कैसे बनाएं। ये हम सबसे पहले रबड़ी बनाएंगे जो मैं 1 लीटर दूध की बना रही हूँ। ये इस प्रकार से हम लगातार चलाते रहेंगे और जब तक बिल्कुल दूध गाढ़ा नहीं हो जाएगा। इसको बनने में लगभग 1-1.5 घंटा लग जाता है। लगातार इसलिए चलाना जरूरी है, नहीं तो दूध उफन के बाहर निकल जाता है। अब ये देखिए, ये गाढ़ी होने लगी है। इसको अब हम बिल्कुल ही लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे लगने लगती है। जब तक अभी से हमें ये और गाढ़ी करनी है, इसको अभी हम चलाते इसी प्रकार रहेंगे। छोड़ेंगे तो इसका तला जलने से जलने लगेगी। जब ये लगभग बन के तैयार होने लगेगी तो तेज आंच पर ही इसमें हम थोड़ी शुगर डालेंगे। इसमें हम शुगर को डाल देंगे। मैंगो का भी अपना इसमें टेस्ट आएगा रबड़ी बनाने में, तो जितनी आपको चीनी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें डालेंगे। अभी देखिए गाढ़ी होने लगी, बिल्कुल चलाना नहीं छोड़ेंगे और इसमें थोड़ा भी गैस को थोड़ा हल्का कर लेंगे, जिससे कि सिम पे जिससे जले नहीं। शुरू में तेज रखेंगे, जब हम शुरू में ही दूध रखते हैं, जैसे जैसे गाढ़ी होने लगती है तो गैस को हल्का कर लेते हैं और लगातार चलाते रहेंगे। अब ये देखिए तैयार होगी, क्योंकि ठंडी होकर ये और गाढ़ी होगी, तो हमारी आम कुल्फी बनाने के लिए ये रेडी हो गई है रबड़ी। अब हम गैस को बंद कर देंगे, जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तब हम कुल्फी जमाएंगे। इतने हमारी रबड़ी ठंडी हो रही है, आइए इतने हम अपनी कोटिंग करते हैं शहद से ड्राई फ्रूट्स के लिए। इसको ये देखिए गर्म कर लिया, अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स मिला दूंगी। इस प्रकार मिलाकर इनको फिर ठंडा होने देंगे थोड़ी देर के। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका आइसक्रीम के ऊपर। अब ये देखिए, ये रबड़ी ठंडी होकर इतनी गाढ़ी हो गई है, जो हमारी कुल्फी के लिए बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर मिलाऊंगी। मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स हम कुल्फी में इसमें ऊपर से डालेंगे। आपको इच्छा है, अगर आप डालना चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। अभी आम रबड़ी को बिल्कुल नए स्टाइल में आपको बता रहे हैं, जिसमें आपको ये मैंने आम को इस पीस में इस प्रकार जो काटा है, देखने में तो लगेंगे ये आम ऐसे ही, लेकिन अंदर से निकलेगी इसमें रबड़ी। आइए बताते हैं कैसे बनाते हैं। ये देखिए, ये मैंने आम को इस प्रकार काटा है, जिसका मैंने छिलका नहीं उतारा है। अब इसका मैं पल्प निकालूंगी। पल्प जब निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे जिससे इसमें नीचे थोड़ा आम रहे और फिर इसके ऊपर में इस आम की लेयर आएगी, तो इसलिए हम इसको इस प्रकार से पूरे आम को निकाल लेंगे। ये देखिए, ये इसको इस प्रकार से निकाल लिया। देखिए ये कटोरी सी बन गई। मैंने अब इस रबड़ी भरेंगे। इसको हमने इतना खाली कर लिया, तो इसमें भरने के लिए ये जो आम लगाएंगे इसको हम मैश कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने मैंगो को बिल्कुल मैश कर लिया है इस प्रकार से। अब जो रबड़ी है उसमें, ये जो रबड़ी है इसमें हम ड्राई फ्रूट्स मिलाएंगे। जो रबड़ी को मैंने पहले फ्रिज में थोड़ी देर सेट कर लिया है, क्योंकि जिससे बहेगी नहीं तो हम इसका जब मैंगो पे लगाएंगे तो ये इसमें बहने लगेगी, तो थोड़ा सेट कर लिया है जिससे थोड़ी ये गाढ़ी हो गई है। ये देखिए, इसमें रबड़ी ली और इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स हम मिला लेंगे। इनको मिला करके ये जो मैंगो हमने इसमें से, जिसमें से हमने पल्प निकाल लिया है, इसमें इस रबड़ी को लगाएंगे। खूब अच्छी तरीके से भर लेंगे इसमें। इस देखिए, ये कम से कम इसमें 2 चम्मच आ जा रही है, जो इसी के लेवल में अब ये हो गई। अब इस पर हम जो हमने मैश किया है मैंगो, इसको लगाएंगे। ये देखिए, ये जो मैश किया हुआ मैंगो है, इस मैंगो को देखिए, ये है, इसको हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे।
अभी इसके ऊपर रबड़ी के बाद में मैंने ये आम का पूरा पल्प इसमें फैला दिया है। आप इसमें इतनी अच्छी तरीके से मैंगो लगाएं कि रबड़ी नीचे से बिल्कुल भी नहीं दिखे। अब इसमें गार्निशिंग के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लगा दूंगी। तो हमने अंदर डाले हुए हैं लेकिन थोड़े से इसमें हम ऊपर लगा, ये देखिए मैंने इस प्रकार से पूरा मैंगो पे लगा करके और इनको गार्निश कर दिया है। अब इनको कम से कम 1 घंटा हम फ्रिज में रख देंगे जिससे ये पूरी सेट हो जाएंगी और जम जाएगी। अब देखिए दूसरे तरीके से आपको मैंगो रबड़ी बतला रहे हैं, जिसमें कि ये मैंगो रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले रबड़ी को मैंने फ्रिज में रख करके ठंडा कर लिया जिससे ये गाढ़ी हो गई है और खाने के लायक हो गई है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम नीचे इसमें डालेंगे 1 चम्मच रबड़ी और फिर इसके ऊपर हम बिछाएंगे मैंगो लेयर। बहुत टेस्टी लगती है ये खाने में इस प्रकार। अब फिर इसके ऊपर हम रबड़ी की लेयर लगाएंगे। ये देखिए बिल्कुल इस प्रकार से इसको एक साथ फैला लेंगे। अब इसमें जब एक ये लगाने के बाद फिर मैंगो लगाएंगे। कितने खूबसूरत तरीके से इसमें ये मैंगो लगा दिए हैं। अब मैंने इसमें अंदर ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले हैं, मैं कैरेमलाइज करे हुए ड्राई फ्रूट्स इसमें इस लगा रही हूँ। आप चाहें तो रबड़ी में अंदर भी डाल सकते हैं। ये देखिए ये मेरी मैंगो रबड़ी बनकर के तैयार हो गई है। अब इसको आप 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दीजिएगा और फिर खाइए, बहुत टेस्टी लगेगी। और आपको यदि मेरी मैंगो रबड़ी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।